हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 टू व्हीलर्स ब्रांड्स के बारे में जिन्होंने सितंबर 2021 में अपने टू व्हीलर्स को सबसे ज़्यादा सेल किया है। न्यू लिस्ट आ चुकी है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ सितंबर में किस कंपनी सबसे ज़्यादा अपने टू व्हीलर्स को सेल किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ब्रांड ने अपने सबसे ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं और 2020 के अकॉर्डिंग इनके ग्रोथ इंक्रीज़ हुए हैं या फिर डिक्रीज़ हुए हैं। फुल डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की लिस्ट में दो ब्रांड तो ऐसे हैं जिनका नाम शायद ही आपने पहले सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दें। नंबर 10 पे जो ब्रांड आता है उसका नाम है ओकिनावा। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रांड को शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ये ब्रांड मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। इन्होंने टोटल 3264 यूनिट को सेल किया है। इनकी ग्रोथ रेट की बात करें तो इनकी ग्रोथ रेट है 491.3% की, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नंबर 9 पे जो ब्रांड है शायद उसका नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसका नाम है पियागियो। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। इसने टोटल 3729 यूनिट्स को सेल किया है। इसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो इसकी ग्रोथ रेट है 8.34%, जो कि लगातार बढ़ रही है। नंबर 8 पे आता है हीरो इलेक्ट्रिक, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसने सितंबर 2021 में 6289 यूनिट्स को सेल किया है। इसकी इंक्रीजिंग रेट है 533% की, जो कि तेज़ी से बढ़ रही है। नंबर 7 पे आता है रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड ने 32913 यूनिट्स को सेल किया है सितंबर 2021 में, पर ये दोस्तों -22.5 की ग्रोथ रेट से चल रही है। बात करें नंबर 6 पे आने वाले ब्रांड के बारे में, नंबर 6 पे है यामा। यामा ने 40044 यूनिट्स को टोटल सेल किया है। बात करें इसकी ग्रोथ रेट की तो 2020 के अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ रेट -10.8% कम है। नंबर 5 पे आता है सुजुकी। सुजुकी ने 2021 सितंबर के महीने में 45617 यूनिट्स को सोल्ड किया है। दोस्तों, इसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2020 के अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ रेट 10.3% से बढ़ रही है। नंबर 4 पे आता है बजाज। बजाज ने सितंबर के महीने में 116252 यूनिट्स को सोल्ड किया है। बात करें अगर 2020 के अकॉर्डिंग तो इसकी ग्रोथ रेट -6% से डाउन चल रही है। वहीं बात करें नंबर 3 पे आने वाले ब्रांड के बारे में, नंबर 3 पे आता है TVS। TVS ने सितंबर के महीने में 140527 यूनिट्स को सोल्ड किया है। अगर इसकी 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी ग्रोथ रेट -11.7% के अकॉर्डिंग है। बात करें नंबर 2 पे आने वाले ब्रांड के बारे में, नंबर 2 पे आता है होंडा। होंडा ने इस साल सितंबर के महीने में 240527 यूनिट्स को सोल्ड किया है, जो कि 2020 के अकॉर्डिंग -9.4% से ग्रोथ रेट में है। दोस्तों, बात करें नंबर 1 पे आने वाले ब्रांड के बारे में, नंबर 1 पे आता है हीरो मोटरकॉर्प। इसने सितंबर के महीने में 275882 टोटल यूनिट्स को सोल्ड किया है। बात करें इसके ग्रोथ रेट की तो 2020 के अकॉर्डिंग 2021 में -20.6% से ग्रोथ कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है 2020 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सारे ब्रांड्स की टोटल यूनिट सेल काफ़ी कम हो चुकी है, जबकि 2020 में इनके सेलिंग रेट्स काफ़ी अच्छे थे। बट दोस्तों, इस साल 2021 में इनके सेलिंग रेट में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दे और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो कमेंट में उसके भी जरूर लिख के बताइएगा।